नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम बगावत पर उतरे, कहा इस्तीफा देने के लिए किया गया मजबूर, राज्य के लोगों की मांग पर इस्तीफा ले सकते हैं वापस। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते शशिकला ने पन्नीर सेल्वम को AIADMK से किया निष्कासित, आरोपों को DMK की साजिश दिया करार, विधायकों की बुलाई बैठक। यूपी में आज बढ़ेगा सियासी पारा, गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर ग्राउंड में पीएम मोदी की विजय शंखनाद रैली, राजनाथ दादरी में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित, सीएम अखिलेश 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, तो आगरा में डिंपल यादव की जया बच्चन के साथ होगी पहली रैली। 3700 करोड़ ठगी मामले में सनी लियोनी से हो सकती है पूछताछ, मुख्य आरोपी अनुभव मित्तल के कार्यक्रम में सनी लियोनी दो बार आ चुकी है नजर, एसटीएफ करेगी मामले की जाँच। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर बैन लगाने का 3 देशों ने रखा प्रस्ताव, चीन ने पिछले साल की तरह इस बार भी रोड़ा अटकाया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद पर बैन का रखा था प्रस्ताव। और दिल्ली के मोहित अहलावत ने T20 में बनाए 300 रन, 72 बॉल पर लगाए 39 छक्के और 14 चौके, धोनी और विराट कोहली के प्रशंसक हैं मोहित अहलावत। ये थी अब तक की बड़ी खबरें, आप देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।